हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा टेक्नो फ़ोन है तो टेक्नो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में वाईफाई प्रॉब्लम है तो वाईफाई प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने टेक्नो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में वाईफाई प्रॉब्लम है तो वाईफाई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली हमारी फ़ोन सेटिंग शो हो रही है तो आपको यहाँ पर जाना है सिस्टम सेटिंग पे। क्लिक करते ही सिस्टम सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको इस पे जाना है। तो जो हमारी वाईफाई की प्रॉब्लम है सॉल्व करने के, हम वाईफाई डाटा को यहाँ से रीसेट कर देंगे। देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शन आ गया है, जहाँ से आप उसको ओपन स्लाइड करेंगे। स्लाइड करते जो भी डाटा है वाईफाई का, उसको हम यहाँ से रीसेट कर देंगे। रीसेट करते ही जो हमारी वाईफाई प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अपने वाईफाई डाटा को रीसेट कर दिया है। तो इस तरह से आप वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और साथ में ही अपने फ़ोन की सर्च सेटिंग पर जाकर भी वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि आइकन हमारे शो हो रहे हैं, तो आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको जाने चले जाना है यहाँ पर सर्च सेटिंग पे। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है रीसेट। तो रीसेट सर्च कराया हमने, यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही हमारी रीसेट सेटिंग ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप अपने फ़ोन में वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपली इस पे जाएंगे और जो भी वाईफाई डाटा है उसको हम यहाँ से रीसेट कर देंगे। देखते हैं कि यहाँ से ऑल वाईफाई नेटवर्क डाटा को रीसेट करते ही जो भी हमारी वाईफाई प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर प्रोसेस होते ही मतलब रीसेट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और साथ में आप देखते हैं कि सिस्टम नेविगेशन भी आप चेक करना चाहते हो कर सकते हैं सिस्टम अपडेट को। तो इस तरीके से आप वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने टेक्नो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। थैंक यू।